अभी करो, जय जिंदर बोल लाओ करो, आज करो अभी करो, आज तभी चलाओ अभी बोल लाओ करो, आज करो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग क्या कहते हैं जी डी एस आज 14 मई से करके हड़ताल कर रहे हैं और इसको हड़ताल करते हुए आज हमारा 23 मई है। एक हमारी कमिटी बोले की रिपोर्ट है जो भाजपा सरकार ने ही गठित की थी, भाजपा ही के ही आदमी थे और भाजपा ही उस सरकार को लागू नहीं कर रही है। सारा सब काम हो चुका है, वित्त मंत्री के साइन हो चुके हैं, फाइल पटल पर है, कैबिनेट में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो साइन करा ले। वो तो पतंग उड़ा रहा है इंडियन ओशिया में, उन्हें पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जी डी एस भाई भूखा मर रहा है, हमारा 18 दिन का वेतन काट लिया गया, हमारे कपड़े उतार दिए गए, फिर भी प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही है। ऐसे प्रधानमंत्री को जी डी एस संदेश देता है इस मंच से और आपके माध्यम से कि 2019 में जैसे उन्हें हमें धोखा कराए हम उन्हें धोखा कर देंगे। हमारा जो वेतन है सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट है वो हम लागू कराने के लिए, हमारा जो वेतन काटा गया है 2018 चल रही है हमारी 14 मई से, आज 23 दिन हो गए, 23वां दिन है। ये जब भी हड़ताल होती है सरकार के माध्यम से, जब वार्ता समाप्त होती है, जब हड़ताल समाप्त होती है उसके बाद ये तय होता है सरकार के साथ कि वेतन काटा जाए या नहीं काटा जाए, उसके बाद वेतन काटा जाता है। लेकिन अधिकारियों ने बगैर आदेश के वेतन काट दिया है और बगैर आदेश के वेतन काट दिया, किसी अनुसार के 200 रुपये मिले, किसी 500, किसी 1000, किसी 2000, अपने बच्चों को पाल पोषण करने के लिए मजबूर है, ड्रेस खरीदने को मजबूर है और अपने बच्चे का एडमिशन कराने को कर्मचारी मजबूर है। ये इनको संदेश जा रहा है, जहाँ भी उपचुनाव हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ये इनकी उन्ती शुरू हो चुकी है, जैसे इन्होंने हमको नंगा किया है 2019 में हम इस सरकार को नंगा कर देंगे और उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा नारा है। हमारी जगह हड़ताल जारी रहेगी, महीना भर हो, 2 महीना हो और हम भूख हड़ताल में बैठने को तैयार है। अगर ये सरकार उत्तर नहीं मानी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। हमारे 5 साथी हैं, 8 साथी हमारे।